लो टू आर एंड ऑल इन दिस टूटोरियल आई विल एक्सप्लेन रेंज ऑफ फंक्शन इन द लास्ट टूटोरियल वी हैव डिस्कस डोमेन राइट ये सब रिविजन है सब रिविजन हो रहा है कि फंक्शन क्या होता है पहले मैंने आपको बताया था देन फंक्शन में डोमेन रेंज के निकालने के लिए पहले मैंने आपको मैंने वेविकल मेथड का थोड़ा आइडिया दिया था अब हम डोमेन रेंज की बात करेंगे डोमेन हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था डोमेन मीज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड मीन जनरली हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वाई को टू एफ एक्स तो एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम कहते हैं डोमेन जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है मीन्स रियल वैल्यू देता है रेंज क्या होती है तो रेंज बेसिकली क्या होता है बेटा कि जितनी भी वैल्यूज हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उनको पुट करने पे वाई के क्या क्या आंसर आ सकते हैं यानी फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई वी कैन हैव तो दैट इज कॉल्ड रेंज तो रेंज निकालने के लिए बेसिकली हमें वाई की वैल्यू निकालनी होती है कि वाई कहाँ से कहाँ लाइक करेगा ठीक है तो उसको डिवाइड करने के लिए मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको दो तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया कि आप कैसे क्वेश्चन को करोगे ठीक है ये सब यूज़ होगा अभी हमारा जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आइडिया देनेंगा तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें बेटा साइन एक्स की क्वेश्चन साइन एक्स कॉस एक्स की बात करते हैं जैसे आगे साइन एक्स प्लस थ्री या फिर आ जाए आ, टू कॉस एक्स माइनस फाइव इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स और कॉसिक्स जो होता है हमेशा लाइक करता है माइनस वन से वन के बीच में तो हमें इसके बाद इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे बनाना होता है यानी ये यह साइन एक्स प्लस थ्री है तो अब इसी के लिए हमें साइन एक्स प्लस थ्री बनाना है तो साइन एक्स प्लस थ्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे प्लस थ्री हर्ट साइड ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस थ्री फोर इधर हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री टू अब ये फंक्शन बन गया तो हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ लाइंग बिटवीन टू टू फोर तो हमारे फंक्शन वाई की वैल्यू क्या गई रेंज किया गई टू टू फोर यानी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की टू हो जाएगी और मैक्स वैल्यू फोर हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन करते हैं जैसे आ गया टू कॉस एक्स माइनस वाई सेम कॉस एक्स में होता है बटा साइन और कॉस में होता है टैन सेक वगैरह आ जाए तो दैट इज डिफरेंट थिंग साइन कॉस के जनरली क्वेश्चन जब आती है तो ऐसे करते हैं क्योंकि टैन एक्स और उस कॉट के क्वेश्चन इस तरह नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनमें रेंज होती है नॉट डिफाइन होती है हाँ उनके साथ स्क्वायर वगैरह आ जाए तो अलग बात है अभी हम बात करें सिर्फ साइन कॉस की कंफ्यूजन नहीं होना आपने अब हमें ऐसा बनाना है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू कॉस एक्स इधर आ जाएगा टू इधर हो जाएगा, जाएगा माइनस टू अब हमें चाहिए टू कॉस एक्स माइनस फाइव तो माइनस फाइव कर देते हैं टू कॉस एक्स माइनस फाइव करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस थ्री और इधर आ जाएगा माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन आपका फंक्शन बन गया यानी नहीं वाई बन गया तो फंक्शन लाई कर रहा है माइनस सेवन से लेके माइनस थ्री के बीच में तो रेंज हो जाएगी आपकी रेंज रेंजगी माइनस सेवन से लेके माइनस थ्री तो इन दिस वे वी कैन फाइंड दी रेंज तो एक तो हो गई क्वेश्चन और इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है बहुत सिंपल है रेंज निकालने के लिए आप एक और चीज कर सकते हो कि आप आपने कॉस एक्स की वैल्यू मिनिमम फुट कर दो माइनस वन जैसे माइनस वन फुट किया तो आगे माइनस टू माइनस वाई माइनस सेवन और एक बार फुट कर दो वन तो टू माइनस हो माइनस थ्री तो एक वैल्यू आ गई माइनस सेवन एक आ गई माइनस थ्री तो ऑब्वियसली ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर वन मार्क कराए ठीक है अदरवाइज एक्सप्लेन करने के लिए कि अब तो तरीका है तो इसके बाद हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ये तो साइन कॉस के हम साइन कॉस्ट में ऐसे डील करेंगे ठीक है इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि साइन और कॉस्ट में भी स्क्वायर आ जाए जैसे आ गया टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री अपॉन सेवन तो आप कहेंगे कि साइनेक्स जो होता है वो हमेशा लाइक करता है माइनस वन से वन के बीच में तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा सारी नेगेटिव वैल्यू कट जाएंगी तो यानी नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी मीस यहाँ पे वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा यानी साइंस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी वन हो जाएगा बट हम वन से वन तो नहीं कह सकते क्योंकि वन से वन तो नहीं होगा बट इतना श्योर है कि साइनेक्स की जो वैल्यूज आ रही थी माइनस वन से लेके वन तक के बीच में उनमें कुछ वैल्यू नेगेटिव थी और कुछ वैल्यू पॉजिटिव थी तो जब स्क्वायर कर दोगे तो जो इनका स्क्वायर आ रहा होगा वही इनका स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर एक्सक्वर होता है तो बेसिकली हमने बोला कि सारी वैल्यूज यहीं जो है ना जीरो से वन के बीच में लाई करेगी ठीक बात है तो चाहे वो डबल होगी वो दैट इज डिफरेंट थिंग हमें रेंज की बात करनी है कि वैल्यू क्या क्या आएंगी तो हमने बोला जीरो से वन के बीच में आएंगी अब ऐसा फंक्शन बनाते हैं तो हमने क्या किया टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू साइन स्क्वेयर एक्स अब हम थ्री ऐड कर देते हैं तो थ्री ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा टू साइंस को एक्स प्लस थ्री और इधर हम थ्री ऐड करेंगे तो बन जाएगा फाइव अब आप इसी को सेवन से डिवाइड कर दो तो जैसे ही सेवन से डिवाइड करेंगे ये हमारा फंक्शन बन गया तो फंक्शन लाई like कर रहा है थ्री से सेवन के बीच में तो इसका मतलब क्या हो गया हमारी रेंज क्या गई हमारी रेंज हो गई थ्री बाय सेवन टू फाइव बाय सेवन तो इन दिस है वी कैन फाइंड द रेंज ठीक है अब हैं दूसरी टाइप में कैसे क्वेश्चन बनेंगे दूसरी टाइप में बेटा मॉड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे आ गया मॉड एक्स माइनस टू प्लस थ्री सारे एक कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चन मैं फटाफट फड़ एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका क्योंकि हमारा मेन एम है फंक्शंस का और वो भी रहता है तो वी विल क्विकली फिनिश अप दैट टॉपिक ऑल्सो ताकि हम सेकेंड चैप्टर में फटाफट जा सकें तो इन क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है आपको पता है मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है तो इसमें आप कहोगे कि मॉड एक्स माइनस टू जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ा रहेगा थ्री हमें ऐसा फंक्शन बनाना है तो थ्री हम दोनों साइड ऐड कर देंगे तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री यानी हमारा फंक्शन हमेशा थ्री से बड़ा रहेगा क्योंकि ये फंक्शन बन गया तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी थ्री से लेके इन्फिनिटी तक ठीक बात है ऐसे ये करते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे हम कहेंगे भी मॉड मॉडल जो है हमेशा ज़ीरो से बड़ा रहेगा बट हमें माइनस टू बनाना तो -2 है तो माइनस टू से मल्टीप्लाई किया जब तो ज़ीरो इंटू माइनस टू रहेगा तो जीरो बट माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनकोलिटी चेंज हो जाती है अब हमें थ्री ऐड करना है तो दोनों साइड थ्री ऐड कर देते हैं तो जैसे ही थ्री ऐड करेंगे इधर भी और इधर भी तो हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है ये पूरा फंक्शन ये हमारा थ्री से लेस हो जाएगा यानी थ्री से छोटा होगा तो रेंज आ जाएगी इस बार माइनस इन्फिटी से थ्री ठीक है माइनस इन्फिटी से थ्री क्योंकि अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखोगे ना ये थ्री है तो थ्री से छोटी वाली मतलब लेफ्ट साइड तो माइनस इन्फिनिटी से थ्री सारे आंसर आ जाएंगे ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो बिल्कुल सेम एक्स प्लस वन जीरो से बड़ा रहेगा फिर माइनस थ्री एड कर देंगे और इस तरह सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप ठीक है ना तो ये मॉडलस के साथ क्वेश्चन हो गए फिर चलते हैं तीसरी टाइप पे कभी आपको पॉली क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें एक्स स्क् क्वाडिटी क्वेश्चन बन रही होगी इस टाइप के क्वेश्चन Uh, यहाँ ले लेते हैं वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन आ गए बेटा तो आपको इनमें क्या करना है कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है याद है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे हैं टेंथ क्लास में आपको यहाँ पे क्या करना है एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव वन बनाना है तो हम क्या करेंगे का कोफिशिएंट वन तो ऑलरेडी है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं अगर ये वन है तो हम क्या करते हैं जो भी का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं तो फोर का हाफ हो जाएगा टू तो टू का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब कर दिए तो ये तीन टर्म मिलके बन गई आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ये मिलके बन गई आपकी एक्स माइनस टू का स्क्वायर और ये बन गया माइनस फोर प्लस थ्री तो थ्री माइनस फोर तो माइनस वन हो जाएगा ये ठीक है तो इसको माइनस वन लिख देते हैं अब हम स्क्वायर है ना तो स्क्वायर में क्या करेंगे वही जैसे मॉडल में क्या था कि एक्स माइनस टू का स्क्वायर हमेशा जीरो से बढ़ाएगा क्योंकि तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है राइट फिर माइनस वन चाहिए तो दोनों साइड माइनस वन कर देंगे तो ये हमारा फंक्शन माइनस वन से बढ़ा रहेगा तो हमारे पास रेंज क्या आ गई रेंज आ गई माइनस वन से लेके इंफिनिटी तक राइट एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्स कपीशन नेगेटिव हो ठीक है मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन तो हमें क्या करना होता है पहले कपेशन को पॉजिटिव वन बनाना होता है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और बाई चांस करने पे ये हमारा फॉर्मूला ही बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ये बन रहा है एक्स माइनस वन का स्क्वायर तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस वन का जो स्क्वायर है ना वो जीरो से बड़ा रहता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन लेस देन जीरो हो जाएगा क्योंकि तो मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो 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 है तो जीरो इंटू माइनस वन तो रहेगा तो ज़ीरो बट इनिक्वालिटी के अंदर जब भी हम माइनस में प्लस या माइनस से प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जीरो से छोटा आ जाएगा यानी हमारी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो ठीक है बेटा इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं तो एक तो हमने किए साइन कौन से क्वेश्चन फिर मॉडल फिर परफेक्ट स्क्वायर वाले ठीक है बाई चांस एक और क्वेश्चन करवाया था मैं आपको इसका समझने के लिए कि मान लेते हैं इसकी रेंज हमें निकालनी है तो क्या करोगे आप पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो आप इसे कपिश वन बना देते हैं पहले तो मैंने क्या किया नाइन ना बाहर ले लिया और नाइन अगर मल्टी मल्टीप्लाई किया बाहर तो अंदर सबसे डिवाइड कर दिया आप ये कह सकते हो कि हमने ना नाइन से डिवाइड कर दिया अंदर ठीक है अब इसके बाद ये क्या आ गया हमारे पास ये आ गया एकक्वा प्लस टू बाय थ्री क्योंकि थ्री से कट गया ये अब परफेक्ट स्क्वर बनाने के लिए क्या करते हैं हम परफेक्ट स्क्वर बनाने के लिए जो भी एक्स कफिशेंट होता है उसके हाफ यानी टू बाई थ्री का हाफ क्या हो जाएगा टू बाय थ्री का हाफ हो जाएगा वन बाय थ्री तो वन बाय थ्री का स्क्वायर ऐड करेंगे हम इसके साथ ना एक्स नहीं लेते कफिशेंट की बात करते हैं याद रखिएगा कभी हो सकता है जल्दी जल्दी में गलती में एक्स भी साथ में एड कर दे एक्स नहीं आना चाहिए हम कफिशेंट की बात करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास नाइन एक्स प्लस वन बाय थ्री का स्क्वायर यह आ जाएगा माइनस वन बाय नाइन माइनस फाइव बाई नाइन माइनस सिक्स बाय नाइन ठीक है माइनस सिक्स बाई नाइन अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो ब्रैकेट ओपन करोगे ना <coughs> ये बड़ा वाला तो नाइन मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस सिक्स ये आपका आंसर आ जाएगा अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे आप, आप कहेंगे इसकी जो रेंज आ रही है हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है नाइन एक्स प्लस वन बाय थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स तो आप कहेंगे कि इसकी रेंज कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल है ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा नाइन से मल्टीप्लाई करते ही ये जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो इंटू नाइन इज़ जीरो माइनस सिक्स चाहिए तो माइनस सिक्स कर देते हैं दोनों साइड तो यह जीरो माइनस सिक्स माइनस सिक्स यानी हमारा फंक्शन माइनस सिक्स से बड़ा रहेगा तो हमारा जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस सिक्स टू इन्फिनीटी और भी कई बार होता है एक क्वेश्चन में दो तीन कंडीशन होती है कि ये भी आ गई और इसके अलावा बोल दिया कि एक्स पॉजिटिव है तो उस केस में फिर हम दोनों कंडीशन को चेक करेंगे मतलब अगर मान लेते हैं या कह देते हैं कि एक्स पॉजिटिव है तो फिर हम इसमें से माइनस सिक्स से जीरो वैल्यू वैल्यू हटा देते हैं या फिर वो कह सकते थे एक्स माइनस फाइव से बड़ा है तो माइनस सिक्स या माइनस फाइव की वैल्यू हटा देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि साथ में कोई और कंडीशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है आपको ठीक है तो अभी तक होगा बेटे साइन कॉस वाले मॉडलस वाले परफेक्ट स्कोर वाले अब चलते हैं नॉर्मल अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम कैसे रेंज निकालेंगे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ठीक है बहुत सिंपल है आप क्या करना इसको ना वाई मान लेना हम क्या निकालना चाहते हैं रेंज निकालना चाहते हैं रेंज मतलब वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम ना इस क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन आए इनके अलावा जो हमने किए हैं स्क्वायर साइन मॉड वाले क्वेश्चन के अलावा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करना फंक्शन को वाई मान लेना और फंक्शन से एक्स की वैल्यू निकालना याद रखना वो एक्स की वैल्यू सिर्फ वाई की टर्म में होनी चाहिए अगर यहाँ पे भी एक्स आ रहा है तो सबको एक साइड ले जाना है सारी एक्स की टर्म एक साथ होनी चाहिए ताकि उनमें से हम एक्स निकाल सकें देखना मैं कैसे करूँगा इसको उधर लेंगे तो एक्स इक्वल टू के वाई इंटू एक्स प्लस वन ब्रैकेट ओपन किया राइट साइड पे अब क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो एक्स वैलिट टर्म सारी ले, ले लेते हैं यहां से एक्स कॉमन आ रहा है तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई वाई अपॉन वन माइनस वाई आपने हमेशा ऐसे ही करना है एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ वाई ठीक है ये हमने निकाल ली अभी मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा डोमेन भी दिया होगा हमें उसको भी देखना होगा अभी मैं सिर्फ रेंज का जस्ट आइडिया दे रहा हूँ निकालेंगे कैसे अप्रोच समझा रहा हूँ आपको ठीक है ना बाकी अभी हम कोशिश करेंगे बेटर टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा बट बेसिक आइडिया होगा तो आप जरूर जा सकते हैं अदरवाइज माइंड में रहता है कि मुझे तो डोमे जाता ही नहीं मैं कैसे करूँगा तो बेसिक आइडिया देने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं सारे टाइप्स बता रहा हूँ आपको तो अब आपको क्या करना है स्टेप दोबारा बताओ y इक्वल टू एफ एक्स होगा यू हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन जब ये फंक्शन आ जाएगा भाई इन टर्म्स ऑफ प्योरली भाई ऐसे नहीं होना चाहिए अब आप क्या करोगे इस फंक्शन का डोमेन निकालोगे आप देखोगे भी ये फंक्शन कहाँ का डिफाइंड है तो जब आप इस फंक्शन का डोमेन निकालोगे मीस आप ये देखोगे कि कहाँ कहाँ डिफाइंड है मीस आप वाई की वैल्यू निकाल रहे होगे और वाई की वैल्यू को हम रेंज कहते हैं तो इस तरह से वो रेंज आ जाएगी तो आपको याद है डोमेज में क्या पढ़ा था एक क्वेश्चन पड़े थे पोलिनोमियल एक पड़े थे अपॉन वाले एक पड़े थे रूट वाले तो अपॉन में क्या करते थे हम कहते थे कि डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए यानी वन माइनस वाई जीरो नहीं होना चाहिए यानी वाई वन नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा डोमेन क्या आ गया इस वाई वाले टर्म्स का कि वी कैन हैव ऑल रे नंबर एक्सेप्ट वन मीन्स हमारी वाई की वैल्यू कुछ भी इंपुट कर सकते हैं इस फंक्शन में सारे रियल नंबर बट तो वन नहीं कर सकते तो वही हमारी रेंज हो जाएगी तो यानी रेंज निकालने के लिए क्या करना है हमने वी हैव टू एक्सप्रेस वाई पहले वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा उसको एक्सप्रेस करना है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दैट न्यू फंक्शन जो हमारा न्यू फंक्शन का डोमेन आएगा वो हमारी रेंज आ जाएगी एक और कराता हूँ मैं आपको एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा जैसे मान लेते हैं ये ऐसा क्वेश्चन आ गया अब क्या करोगे पहले इसको वाई मान लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वाई एक्स प्लस टू वाई आ जाएगा एक्स वाले टर्म एक साथ चाहिए तो एक्स वाले टर्म एक साथ कर देंगे इस थ्री को तो ले जाएंगे टू वाई माइनस थ्री यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो x हो जाएगा टू वाई माइनस थ्री अपौन टू माइनस वाई अब आपको कहीं इसका डोमेन क्या आएगा फिर से अपॉन वाला क्वेश्चन बन गया है तो टू माइनस वाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए यानी y टू नहीं होना चाहिए यानी हमारी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी ऑल डे नंबर एक्सेप्ट टू तो इस तरह से हम रेंज निकालते हैं ठीक है बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन so इलेवंथ में भी था आपके पास एक्स स्क्र अपन प्लस एक्सक्र आप करोगे इसको वाई मान लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इंटू वन प्लस एक्स पर आ जाएगा इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वाई प्लस वाई एक्स क्सर कॉमन ले लो ग x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से रूट हटाओगे तो y अपॉन वन माइनस वाई अब आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ठीक है तो अब ध्यान से देखो ये रूट में भी आ रहा है और अपॉन में भी आ रहा है तो अपॉन में तो पहले क्या देंगे हम कि वन माइनस वाई जीरो नहीं होना चाहिए यानी वाई वन नहीं होना चाहिए दूसरी बात रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होती है तो वाई अपॉन वन माइनस वाई जीरो से बड़ा रहेगा अब आपको याद आ रहा है वेविकर मेथड में क्या बताया था मैंने आपको कि हम सी इस नंबर को उधर तब तक नहीं ले जाते जब तक तो ये पॉजिटिव ना हो तो हमने क्या किया नंबर को ऊपर नीचे वन माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बने वन माइनस वाई का स्क्वायर अब स्क्वायर हो गया बेटा तो स्क्वायर तो ईवन है अब इसको दिल जा सकते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई इंटू वन माइनस वाई मोर देन जीरो अब कर मैथड में क्या पढ़ा था आपने कि वाई का कफिशियन पॉजिटिव वन होना चाहिए ये तो ऑलरेडी वन है इसमें ये वन माइनस वाई इसको वाई माइनस वन करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ कर डिचेंज हो गया अब आपके पास आ गया वाई इंटू वाई माइनस वन जीरो से छोटा होना चाहिए तो वेविकल मेथड में आप क्या करेंगे इसका नंबर लेट पे मार्क करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जीरो और वन क्या करते थे प्लस साइन फिर माइनस फिर प्लस साइन चेंज करते थे क्योंकि सबकी पावर ऑड है अब लेस देन जीरो आ रहा है लेस देन जीरो भी नेगेटिव वाला रीजन हमारा आंसर है तो कहेंगे हमारा आंसर हो गया वाई लाई करेगा जीरो से वन के बीच में अब इक्वल टू साइन है तो दोनों के साथ क्लोज ब्रैकेट होने चाहिए बट क्योंकि हमने y को वन नहीं लेना है तो हम कहेंगे y की वैल्यू जो हो जाएगी जीरो से वन क्लोज ब्रैकेट लगाना था क्योंकि इक्वल टू था बट y काउंट नहीं हो रहा तो इसलिए वन के साथ ओपन ब्रैकेट लगा देंगे इसका मतलब क्या हो गया इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो जीरो से वन के बीच में लाई करेगी मीन्स जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी राइट देखिए ये मैंने जो अप्रोच कराई है ये स्टैंडर्ड अप्रोच है ये हर क्वेश्चन में लगेगी हालांकि कई जगह ट्रिक भी लग जाती है जैसे इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे बेटा बट वो तरीका जो मैंने इसलिए नहीं बताया पहले आपको क्योंकि वो हर बार नहीं लगेगा एक ट्रिक क्या थी आप देखोगे अभी कह सकते थे कि एक्स स्क्र तो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा क्योंकि एक्सक्वेर तो, एक तो पॉजिटिव होता है तो अगर मैं इसको वन प्लस एक्सक्र से दोनों साइड डिवाइड कर दूँ क्यों करूँ ऐसा बनाने के लिए तो जीरो को जब डिवाइड करोगे वन प्लस एक्सक्र से तो जीरो रहेगा तो हम कह सकते हैं कि जो वाई आएगा वो ज़ीरो से बड़ा आएगा तो एक तो कंडीशन आ गई है दूसरा हम कह सकते थे कि जो इनको मैं इस रिलेशन के अंदर जो एक्स कोर अपन वन प्लस एक्स कोर है कि इस रिलेशन में वन प्लस एक्स कोर जो होगा ना वो हमेशा एक्सक्र से बड़ा होगा इक्वल भी नहीं हो सकता कभी भी है ना क्योंकि देखो एक्सक्र एक्स कोर सेम है तो वन प्लस एक्सक्र हमेशा वन एक्सक्वर से बड़ा होगा कह सकते हैं कि नहीं क्योंकि एक्सक्वर एक्स कोर सेम है तो वन तो हमेशा वो बड़ा ही होता है ना जीरो से तो अगर मैं ठीक बात है या इसको ऐसे समझ लो कि वन जीरो से बड़ा है तो वन प्लस एक्स जो है वो जीरो से वन प्लस जो वो एक्सक्र से बड़ा रहेगा अब मैं इसको तो ले जाता हूँ तो वन जो हो जाएगा एक्स को रोन वन प्लस एक्स कोर हो जाएगा, तो वाई जो है वन से छोटा आ जाएगा अब इन दोनों कंडीशन से हमने क्या देखा कि वाई जो है वो लाई कर रहा है जीरो से वन के बीच में कैसे यहाँ हम कह रहे हैं वाई जीरो से बड़ा है यहां कह रहे हैं वाई वन से छोटा है तो इसका मतलब वाई जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है ये रेंज आ गई बट ये अप्रोच हर बार तो नहीं लग सकती क्योंकि हर बार थोड़ी ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा इसलिए फिर हमने ये स्टैंडर्ड अप्रोच करी बेटा ये स्टैंडर्ड अप्रोच से आपका आंसर हमेशा सही आएगा तो आपने कितने टाइप के क्वेश्चन हमने आइडिया दे दिए एक साइन के क्वेश्चन जिसमें माइनस वन से वन करेंगे मॉडुलस क्वेश्चन जिसमें मॉड टर्म को जीरो से बड़ा करेंगे स्क्वायर वाले में भी सेम चीज़ होगी और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे अदरवाइज ना स्ट्राइक करें तो वाई इक्वल टू तो एफ एक्स मान के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई और फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटा ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन ओवर कराता हूँ उसके बाद देन दिस पोर्शन इज बेसिक रिविजन जो है रेंज की जो हम कर रहे हैं वो ओवर हो जाएगी ठीक है एक और देखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये क्वेश्चन इसको भी एक तरीका तो है कि हम वो स्क्वायर वाले से कर सकते हैं ना कि हम कहेंगे एक्स स्क्वायर जो होगा वो ज़ीरो से बड़ा रहेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर जो होगा वो फोर से बड़ा रहेगा तो हमारा फंक्शन हमेशा फोर से बड़ा रहेगा है ना ऐसी बात है तो रेंज क्या आ जाएगी फोर से इन्फिनेटी अब देखो भाई इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जो हमने बोला कि वाई को एफ मान लेंगे इसे करते हैं देखो जरा ध्यान से तो हमने पहले फोर को दे लेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए स्क्वायर हटाया तो ये हो गया रूट वाई माइनस फोर ठीक है अब अब आपको पता है कि क्या होता है रूट वाले में क्या करते हैं रूट के अंदर वाली हमेशा पॉजिटिव होगी तो वाई माइनस फोर हमेशा जीरो से बड़ा होगा तो वाई जो होगा हमेशा फोर से बड़ा रहेगा तो रेंज आ जाएगी जीरो फोर टू इन्फिनिटी फोर से बड़ा रहेगा तो देखो दोनों सेम है तो कई बार एक क्वेश्चन में दो तीन मेथड भी लग जाते हैं तो आपको यही सारी चीजें ध्यान रखनी है और एक चीज याद रखिएगा बेटा कि ना जब भी कोई रूट का क्वेश्चन आए रूट में क्वेश्चन हो कुछ भी तो आपको याद रखना कि ये वाली टाफ हमेशा पॉजिटिव रहेगी रूट स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है तो जब भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि उस वाले क्वेश्चन में वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं, मैं तो मैं चलिए मान लेते ये क्वेश्चन आ गया इसकी रेंज हमें निकालनी है तो पहली बात क्योंकि वाई रूट में इसका मतलब इतना ज़्यादा श्योर है कि वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रूट कभी नेगेटिव नहीं देता है ना तो अगर इसके अब हार माइनस साइन होता तो हम कहते हैं कि सिर्फ नेगेटिव देता पॉजिटिव नहीं देता ठीक है यहाँ नेगेटिव होता तो बट अभी छोड़ देते हैं उसको वाई रूट हमेशा पॉजिटिव देता है अब क्या करना होता है हमें स्क्वेयरिंग करी क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए इसको के दिल लिया आ गया गया हमारे पास रूट में हमारा फंक्शन फंक्शन बन इन टर्म्स टर्म्स अब इसका जो डोमेन आएगा की का वो हमारी रेंज होगी तो हम कैसे निकालेंगे बेटा हम कहेंगे नाइन माइनस वाई स्क्वायर हमेशा जीरो से बढ़ा रहेगा इसको ले सकते हैं थ्री स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा थ्री माइनस वाई, रहे वाई थ्री प्लस वाई हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा अब वेविकन मेथड कहता है कि वाई का कमिश्न पॉजिटिव होना चाहिए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है वाई प्लस इस थ्री इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अब जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया इनिक्वालिटी चेंज हो गई अब वाई प्लस थ्री और वाई माइनस थ्री जीरो से हमेशा छोटे रहेंगे तो इसको नंबर लाइन पे मार्क किया यहाँ से माइनस थ्री आ गया इसको जीरो के को रखा तो थ्री आ गया प्लस माइनस प्लस किया क्योंकि सबकी पावर ऑड है और हमने वेविकन मैथड पढ़ा था अगर पावर ऑड हो तो साइन चेंज होगा तो अब हमारे ये क्वेश्चन में लेस देन जीरो आ रहा है लेस देन जीरो भी इस हमें नेगेटिव वाला रीज़न देखना है तो ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा यानी हमारा वाई लाई like करेगा बेटा वाई लाई करेगा हम क्या कहेंगे वाई लाई like करना चाहिए माइनस थ्री से थ्री बट साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि वाई पॉजिटिव होना चाहिए तो इसमें से नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे तो हम कहेंगे वाई जो लाई like करेगा वो सिर्फ लाई like करेगा जीरो से थ्री के बीच में तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ज़ीरो टू थ्री ठीक है और कंपिटिटिव एग्जाम में जाने पे आप एक याद रखें ना कि कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका जो डोमेन होता है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हो अगर वन मार्क का क्वेश्चन है तो इसका डोमेन होता है माइनस ए टू ए और रेंज होती है इसकी ज़ीरो टू ए जैसे अभी हमने किया मान लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन आ गया ना वन मार्क का कि इसकी रेंज और डोमेन रेंज बताओ तो आप होगी ये सिक्सटीन को ले सकते हैं फोर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका डोमेन हो जाएगा माइनस फोर टू फोर क्योंकि फोर आ रहा है और रेंज हो जाएगी इसकी जीरो टू फोर ये एक मैंने सिर्फ शॉर्टकट बता दिया स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हो सकते हैं बट वो आप खुद ड्राइव करके देख सकते हैं तो मेरा मेन एम था आपको रेंज का आइडिया देने का ताकि सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद डोमेन एंड रेंज और फिर हम फंक्शन में जा सकें तो अगला जो ट्यूटोरियल आएगा जल्दी ही आएगा Uh, उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा जो ट्वेल्थ का टॉपिक है बेटा ठीक है टिल देन की प्रैक्टिस एंड मैथ्स को हमेशा प्यार करते रहिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैथ्स इज़ ऑसम राइट तो डरना नहीं है मैथ से कीप योर बेसिक्स राइट थैंक यू सो मच